Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Anusha और मैं आज आपके लेके आई हूँ प्लम बर्थडे सेल हॉल। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है ना, मैं आपके साथ वो सारे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो मैंने प्लम की बर्थडे सेल में खरीदे हैं। और इस टाइप की वीडियो मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूँगी, आप उसको चेकआउट कर लेना। तो आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दिए हैं और इन सबको मैं आज आपको वन बाय वन करके दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और हाँ, ये पार्सल मैंने ऑलरेडी खोल दिया था, बिकॉज मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था इतने सारे प्रोडक्ट्स देख के। मुझे तो मन कर गया खोलने का, तो मैंने ओपन कर दिया, बट मैंने अभी इनको यूज़ नहीं किया। मैं आपको एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपको प्लम के प्रोडक्ट्स पसंद है तो इस टाइम पर ना प्लीज़ शॉपिंग कर लो। अगर आपको ख़रीदना हो तो इस टाइम पर कर लो, बिकॉज बहुत ही अच्छे ऑफर आए हुए हैं। आप लोग बहुत सारा पैसा बचा सकते हो अपना, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट साथ में आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे अगर आप अच्छे से शॉपिंग करोगे तो। बिकॉज कुछ उनका है लाइक 1000 के ऊपर शॉपिंग करोगे तो एक चीज़ है, ऐसे ऐसे करके है। तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे ऑफर आए हुए, बाय वन गेट वन चल रहा है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे बहुत ही रीजनेबल रेट पे। और अगर आपको जो मैंने परचेस किया उनमें से कुछ भी परचेस करने का मन होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ एक सिंगल लिंक होगी, वो मेरे हॉल पैक स्टोर की लिंक है। उस पर टैप करोगे ना, आज मैं आपको जितने प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ वो और जो मैंने लास्ट बर्थडे सेल में दिखाया था वो सारे प्रोडक्ट्स आपको एक ही लिंक में वहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी परचेस करना हो तो आप उस पर टैप करके डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर न्यू हियर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपको वन बाय वन करके प्रोडक्ट्स दिखाती चलती हूँ, उसके बारे में बताती चलती हूँ। और इस बार अगर आप बर्थडे सेल में आप शॉपिंग करोगे ना, तो आपको जो प्रोडक्ट्स रिसीव होंगे वो इस टाइप के बैग में रिसीव होंगे। आप देख सकते हो मेरे को ऐसे दो बैग आए हुए हैं, तो ये चीज़ काफ़ी सही है, बिकॉज पहले ये लोग ऐसा बैग नहीं देते थे, सारे प्रोडक्ट्स आपको इसी में ऐसे बॉक्स में करके मिलते थे। इस बार इन्होंने ये बैग का भी कॉन्सेप्ट निकाला है, तो अगर आपको यूज़ करना तो बाद में इसको यूज़ कर सकते हो, अपना कोई भी सामान रखना हो तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो मैंने ना काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मंगाए, तो उन्होंने ऐसे दो पैकेट्स में भेजे हुए हैं, तो मैं वन बाय वन करके पैकेट करके दिखाती चलती हूँ। अगर आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये बात पता होगा कि मुझे पर्सनली फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लम की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, और अगर आपको पता हो तो मुझे रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रोज़ तो मंगवाना ही था। आप देख सकते हो कि मैंने प्लम का ये रोज़ बॉडी मिस्ट भी मंगवाया हुआ है, रोज़ का EGP भी मंगवाया हुआ है, वो भी दो दो। इसको मैं ऑलरेडी खोल ली हूँ, तो मुझे ना रोज़ स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। मैंने ना लास्ट ईयर वाले में भी रोज़ वाला मंगवाया हुआ था, इतना ज़्यादा अच्छा निकला, इतना ज़्यादा प्यारी स्मेल है, मैं लिटरली बता रही हूँ। वो वाला मैंने पूरा ख़त्म कर लिया, उसके बाद मैंने फिर एक मंगवाया, वो मैंने पूरा ख़त्म कर लिया, ये मैं दोबारा मंगवाई हूँ। और मैंने इसीलिए दो ले लिया एक साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम चले और काफ़ी अच्छा सेल भी थी। तो आप देख सकते हो ये इनकी बॉडी मिस्ट है, ये इनकी EDP है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आपको जो भी फ्रेग्रेंस पसंद हो ना, तो आप उनका दोनों का ही परचेज़ कर लेना, लाइक बॉडी मिस्ट भी ले लेना और EDP भी ले लेना। तो उससे क्या होता है ना, आपकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। जैसे EDP जो होता है वो हमारा 8 to 10 hours के लिए लास्ट कर जाता है, और बॉडी मिस्ट जो होता है वो 2 to 3 hours तक के लिए करता है। तो अगर आप दोनों को साथ में वेयर करोगे तो वो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। सो आप ये देखो, ये है प्लम की रोज़ वाली EDP। मुझे पर्सनली रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, रोज़ की स्मेल रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसको डेफिनेटली परचेस किया। फिर मैंने मंगवाया है ये प्लम का बॉडी शिमर ऑयल। तो अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, लास्ट ईयर वाली, या फिर मेरे प्लम की रिकमेंडेशंस, तो उस वाले बॉडी ऑयल को मैं आपको कई बार रिकमेंड कर चुकी हूँ। मेरा वाला पूरा ख़त्म हो गया, इसलिए फिर मैंने इसको दोबारा से परचेस कर लिया है। मैंने लिया इन द शेड पीच ग्लो। सो ये बेसिकली बॉडी ऑयल है, शिमर बॉडी ऑयल है। तो ये क्या करता है ना कि जब आप इसको अप्लाई करते हो तो उसमें ना शिमर पार्टिकल्स हैं, तो जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपकी जो बॉडी है वो हाईलाइट करती है, शाइन करती है। तो जब आप ना इसको वीडियोज़ में या फोटोज़ में या फिर आप वेडिंग में वेयर करते हो तो आपकी ना फोटोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, आपकी जो स्किन होती है वो एक हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करती है। ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा सा दिखता है, कि मैं ऑलरेडी ये दूसरी बार मैं परचेस कर रही हूँ, और वेडिंग सीजन के लिए ना ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। इसको जस्ट आपको शेक करना होता है, बिकॉज़ क्या होता है ना, जो शिमर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो आप इसको अच्छे शेक कर लोगे ना तो वो पूरे मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है, मैं आपको थोड़ा सा लेके दिखा रही हूँ। ये प्रॉपर बॉडी ऑयल है, तो आप इसको एज मतलब जैसे अप्लाई करोगे ना, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा नरिश फील करेगी, मॉइस्चराइज फील करेगी। तब ये देखो, इसको जब आप अच्छे से अप्लाई करोगे तो आप ये शाइन देख पा रहे हो,
आपकी बॉडी ऐसे शाइन करती है बिकॉज इसमें शिमर पार्टिकल्स है, तब ये डिफरेंस देखो। यहाँ मेरे कुछ नहीं शाइन हो रहा है, बट ये देखो मेरा हाथ कितना तगड़ा शाइन कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें तीन शेड्स आते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सूट करे, आपके स्किन टोन को जो भी सूट करे वो लेना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने पीच ग्लो लिया है, और इसकी स्मेल जो है ना, अगर आपने प्लम का एवरीथिंग प्लम वाली जो वेरियंट है वो ट्राई किया होगा, तो इसमें वो स्मेल है, एवरीथिंग प्लम की स्मेल आती है इसमें से, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मस्ट हैव प्रोडक्ट है फॉर वेडिंग, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर लेना। फिर मैंने परचेज़ की है ये प्लम की हैंड क्रीम। अगर आप मेरे लास्ट ईयर वाला वीडियो देखोगे ना, तो उसमें मैंने हैंड क्रीम लिया था, बट मैंने तब लिया था हवाईन रूम्बा, जो कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने फिर से ऑर्डर कर दिया है। ये मैंने लिया है इस बार कैरमल पॉपकॉर्न में। सो मैं आपको बताऊँ, ये हैंड क्रीम बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। मैं तो हवाईन रूम्बा वाला ट्राई कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने इसको पूरा ख़त्म कर दिया, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी इसलिए मैं इसको लिया है। ये ना आपके हाथ को इतने अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती है, बट बिल्कुल भी स्टिकी नहीं करती है। इससे कुछ कुछ हैंड क्रीम्स होती है ना, जब आप उसको अप्लाई करते हो तो आपका हाथ बहुत चिपचिपा सा हो जाता है, इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके हैंड को ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ तो करेगी, बट बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं देगी। और ये वाली पर्टिकुलरली जो स्मेल है ना, बहुत ही ज़्यादा स्वीट सी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, कैरमल पॉपकॉर्न की स्मेल है, आपको मन करेगा खा जाओ लिटरली, बहुत ही अच्छी है। हाय बहुत प्यारी स्मेल है, और आप इसको जब अप्लाई करोगे ना, आपका हैंड्स एकदम मतलब काफ़ी देर तक के लिए मॉइस्चराइज फील करता है। कि देखो ये आप इजीली अपने हैंड पे अप्लाई कर लिए, और ये ना फट से एब्जॉर्ब हो जाता है, कि आपके हाथों के ऊपर बैठा नहीं रहता है, कि ऐसा नहीं होता आप अगर कोई सामान छूओगे तो उसके ऊपर ये ट्रांसफ़र होगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छे से आप देखो मॉइस्चराइज भी हो जाता है, प्लस बहुत ही अच्छी स्मेल भी है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप प्लम के हैंड क्रीम्स ज़रूर ट्राई कर लेना। नेक्स्ट प्रोडक्ट होने वाला है ये मैंने ना इतनी बार परचेज़ कर चुका है ये प्रोडक्ट, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, ये मेरी फिफ्थ या सिक्स्थ बॉटल होगी। मुझे प्रोडक्ट इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये बॉडी लोशन बहुत तगड़ा है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप ना ऐसा कोई बॉडी लोशन ढूंढो जो कि आपकी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर दे, एक अच्छी सी स्मेल भी दे, और आपके बॉडी पे हैवी फील ना कराए, तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर लो, बिकॉज़ ये इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, प्लस ये आपकी बॉडी को इतने अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, चाहे कितनी भी ड्राई बॉडी हो आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा, प्लस बिल्कुल भी थिक नहीं है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं करोगे। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैंने ये वाले बॉडी लोशन को ना यूज़ करने के बाद इसका परफ्यूम भी परचेज कर लिया है, बहुत ही अमेजिंग है, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, इसको डेफिनेटली ट्राई कर लो, बिकॉज पर्सनली मेरी जो स्किन है, मेरी जो बॉडी है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। इसको मैं अप्लाई करती हूँ, मुझे कुछ भी और लगाने की नीड नहीं है। ये मैं विंटर्स में भी यूज़ कर चुकी हूँ, इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, इसको डेफिनेटली आप ट्राई कर लेना। नेक्स्ट प्रोडक्ट होने वाला है ये, इसको तो मैं कितनी बार परचेज़ कर चुकी हूँ मुझे अब याद भी नहीं है। ये है प्लम का हवाईन रूम्बा बॉडी वॉश, पर्टिकुलरली ये वाले वेरिएंट की जो बॉडी वॉश है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा फ्रूटी बीची टाइप है कि आप इसको अप्लाई करोगे ना, आप एकदम फ्रेश फील करने लगोगे। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी, एकदम फ्रूटी बीची स्मेल है, बहुत तगड़ा बॉडी वॉश है। इसको आपको ना लिटरली थोड़ा सा लेना होता है, और इतने अच्छे से लैदर हो जाता है, इतने अच्छे से आपकी बॉडी को क्लीन कर देगा, बट बिल्कुल भी ना ड्राई नहीं करेगा। जैसे कुछ कुछ बॉडी वॉश होते हैं जो आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं, ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा, बट इतने अच्छे से क्लीन कर देगा। इसकी जो स्मेल है बहुत ही अच्छी, आपकी बॉडी पे लिंगर करेगी, बहुत ही प्यारी स्मेल है, बहुत ही अच्छा बॉडी वॉश है। इसको तो मैं अपने चैनल पर कितनी बार रिकमेंड कर चुकी हूँ, मुझे कसम से याद भी नहीं है। अब आप इसको डेफिनेटली परचेज़ कर लो, और ये मतलब जैसे ये आप इतना बड़ा है बॉडी वॉश, आपको बहुत टाइम तक चलने वाला है, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, बिकॉज इसमें आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी होती। इतना सा लोगे आपको बहुत अच्छे से लैदर कर देता है, आपको लूफा पे अप्लाई करो, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसको ट्राई कर लो। मैं आपको जो भी प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किए, उनको लेने का मन है, या फिर कुछ भी लेने का मन है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, एक सिंगल लिंक होगी, मेरे हॉलबैक स्टोर की लिंक है, आप उस पर टैप करोगे ना, आपको सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे शो हो जाएंगे विद प्राइजेस, तो आप उस पर टैप करके डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। मैं सच्ची बता रही हूँ, इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है आपको शॉपिंग करने का, प्लम के अगर कुछ नया प्रोडक्ट भी ट्राई करना हो, या अपने पुराने प्रोडक्ट को रीस्टॉक करना हो, तो आप डेफिनेटली इस टाइम पर कर सकते हो, बिकॉज बहुत ही अच्छी सेल है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये नायासिनेमाइड की पूरी रेंज, मैंने लिया है इनका ये राइस वाटर एंड नायासिनेमाइड टोनर, फिर मैंने लिया राइस वाटर एंड नायासिनेमाइड सिरम,
फिर मैंने लिया राइस वाटर नायरसिनमाइड मॉइस्चराइज़र। तो ये मैंने पूरा तीनों लिया हुआ है, क्योंकि ना मुझे ट्राई करना था कि तीनों अगर मैं साथ में यूज़ करूँगी तब मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने ना ये नायरसिनमाइड वाला सिरम ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, एक बार मैं ऑलरेडी परचेज़ कर चुकी हूँ उसको, मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बट ऑनेस्टली मुझे उतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस अपने स्किन में दिखा नहीं। सो मैंने सोचा कि ये तीनों को साथ में एक बार यूज़ करके देखते, क्योंकि इस सिरम का ना बहुत ज़्यादा हाइप है। आई रियली वॉन्ट टू लव दिस सिरम, बट मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस दिखा नहीं ऑनेस्टली अपने स्किन में। इसलिए मैंने ना सोचा कि एक बार तीनों चीज़ों को साथ में यूज़ करके देखते हैं, तो क्या पता कि कुछ अलग डिफरेंस आए, कुछ हमारी स्किन और बेटर हो जाए। इसलिए मैंने इनको परचेज़ किया, बट मैंने कभी भी इसको ट्राई नहीं किया है। इसको ट्राई किया पर्टिकुलरली इस सिरम को, बट मुझे ऑनेस्टली कुछ भी खास डिफरेंस दिखा नहीं। इसलिए मैं अभी कुछ भी ये तीनों में से रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं आपको परचेज़ किया तो मैं आपको ये शो कर दे रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। ये सिरम आपको मैं दिखा देती हूँ, वैसे मैं ऑलरेडी इसकी शॉर्ट्स बना चुकी हूँ। ये है प्लम का नायरसिनमाइड सिरम, राइस वाटर नायरसिनमाइड सिरम। ये बहुत ज़्यादा हाइप है, इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं भी एक अपनी यही छोटी वाली बॉटली मैंने पिछली बार परचेस की थी, मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, बट ऑनेस्टली मुझे कुछ खास डिफरेंस दिखा ही नहीं मेरे फेस पे। इसलिए मैंने सोचा एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं, तीनों को साथ में यूज़ करूँ तो क्या पता कि कोई अच्छा डिफरेंस आ जाए। अगर आया तब मैं आपको बता दूँगी, नहीं तो आप इसको मत परचेज़ करना। मुझे कुछ टाइम तो लगेगा इसको प्रॉपर चेकआउट, मतलब लाइक रिज़ल्ट जानने में। एकदम मिल्की मिल्की से सिरम है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, नॉट ड्राइंग। बट इसने ना मतलब कुछ खास बहुत अलग मेरी स्किन में किया नहीं। आप देख सकते हो ये टोनर है। अब मैं आपको मॉइस्चराइज़र भी दिखा देती हूँ। ये प्लम का राइस वाटर नायरसिनमाइड मॉइस्चराइज़र, एकदम जेल टाइप है और ये काफ़ी ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी स्किन में। आप देख पा रहे हो एकदम जेल टाइप है, तो आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होने वाला है। बाकी मुझे तो तीनों प्रोडक्ट्स को साथ में यूज़ करके टेस्ट करना होगा कि क्या रिजल्ट दे रहे हैं, कैसा है, वर्क कर रहा है। मैंने पर्सनली अभी इन दोनों को कभी यूज़ नहीं किया है सिरम यूज़ किया, बट जैसे कि मैंने बताया मुझे कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। इन सबको साथ में यूज़ करता तो क्या पता रिजल्ट आ जाएगा कुछ अच्छा। सो ये थे वो सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज़ किए हैं पर डे सेल में, और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो फ्रीबीज़ जो मुझे इतने ऑर्डर प्लेस करने के बाद आए हैं। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें मुझे फ्री में आए हैं। तो फर्स्ट है ये फ्रिज मैग्नेट, फिर है ये ओसो वेनिला किट, फिर मुझे मिला है हॉल ऑफ फेम ट्रायो, फिर मुझे मिला है स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी मिनी ट्रैवल पैक। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये फ्रिज मैग्नेट, ये कुछ ऐसा सा है, ये आप अपने फ्रिज के ऊपर स्टिक कर सकते हो। उस पर लिखा हुआ है ग्रेट स्किन इज़ लाइक अ परफेक्ट रेसिपी, इट ऑल स्टार्ट्स विद द राइट इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट मिला है ये ओसो वेनिला किट, इसमें हमें एक मिल रहा है बॉडी वॉश, एक मिल रहा है बॉडी लोशन, एक मिल रहा है बॉडी मिस्ट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको जो बॉडी लोशन दिखाया था उसी का मिनी साइज़ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक हमें बॉडी मिस्ट मिल रहा है जो कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्यूट है। इस टाइप के मेरे पास बहुत सारे रखे हैं। ये मुझे मिला है स्मोकिंग वेनिला फ्लेवर में, ये वाला वेरियंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है प्लम का, और कितना छोटू सा, तो आप इसको आराम से कहीं पे भी कैरी करके भी ले जा सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर मुझे मिला है ये कैरामेलो बॉडी लोशन, वही जो मैंने आपको बड़ा वाला दिखाया इसका ये मिनी वर्जन मुझे मिला है। सब चीज़ें ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा हैंडी रहती है, आप इसको छोटू सा चीज़ें होती है आप इसको कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हो। फिर मुझे मिला है वेनिला वाइब्स का बॉडी वॉश, देख सकते हो कितना ज़्यादा छोटू सा, कितना ज़्यादा क्यूट सा है, तो हमें ट्रैवलिंग में कितना ज़्यादा आराम रहेगा, कितना छोटू छोटी चीज़ें मिल जाती है, बहुत ही अच्छी रहती है। फिर मुझे मिला है हॉल ऑफ फेम ट्रायो, इसमें हमें मिल रहा है एक फेस वॉश, एक मिल रहा है जेल क्रीम मतलब मॉइस्चराइज़र, एक मिल रहा है हमें सनस्क्रीन। ये मिला है मुझे ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश, फिर मुझे मिला है इसमें राइस वाटर नायरसिनमाइड मॉइस्चराइज़र, ये वही मॉइस्चराइज़र है जो मैंने भी बड़ा मंगवाया हुआ है, इसी का ये मिनी वर्जन है। फिर मुझे मिला है सिकन हाइलुरोनिक एसिड एक्वा लाइट सनस्क्रीन, ये SPF 50 PA++ है, और ऑनेस्टली बताओ ये वाली सनस्क्रीन मुझे ट्राई करने का बहुत ज़्यादा मन था, इसका बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ था, मैंने ट्राई नहीं किया था। अब अच्छा है छोटू सा ट्रायल पैक मिल गया तो मैं ट्राई कर सकती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इसके बड़ी साइज़ परचेज़ कर लूँगी।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट जो मुझे मिला है वो है ये स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी हेयर मिनी ट्रैवल पैक। तो ये इनका ना शैम्पू और हेयर सीरम का ट्रैवल साइज है, आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है इनका कोकोनट मिल्क एंड पेप्टाइड्स शैम्पू और सेम का कोकोनट एंड स्वेलिन हेयर सीरम। तो इन्होंने दोनों चीज़ का ट्रैवल साइज़ दिया। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। इससे क्या होता है, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो छोटी सी स्पेस लेगा, आप हर जगह इजीली कैरी कर सकते हो। या फिर अगर आपको कोई प्रोडक्ट ट्राई करने का मन है और आपको नहीं पता वो कैसा परफॉर्म करता है, तो अगर छोटा सा आपके पास है तो आप ट्राई करके देख सकते हो। जैसे मैं आपको पर्सनली बताऊँ, ये शैम्पू मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ और बहुत ही अच्छा शैम्पू है। अगर आपके ड्राई हेयर है ना तो आप इसको डेफिनेटली परचेज़ कर लो, उसकी बड़ी बॉटल में बात करी हो। बहुत अच्छा शैम्पू, उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा प्यारी है। बट मैंने ये हेयर सीरम कभी भी ट्राई नहीं किया था, तो अब इसके मतलब अब मैं इसको ट्राई करके जान सकती हूँ कि कैसा इनका सीरम है। इसका तो ऑलरेडी मेरे पास बड़ी बॉटल है, इसको मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो अब मैं ट्राई करके देखती हूँ ये कैसा प्रोडक्ट है। अगर वर्क किया तब इसकी बड़ी बॉटल लूँगी, अदरवाइज नहीं। बट अगर आपने इसको कभी परचेज़ नहीं किया तो आप कर लो। अगर आपके बाल ना बहुत ज़्यादा ड्राई फील कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका ये जो शैम्पू है और इसका हेयर मास्क भी आता है, मेरे पास हेयर मास्क भी है, दोनों चीज़ें अप्लाई करोगे ना एकदम सिल्की स्मूथ से बाल कर देगा। बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप इसको डेफिनेटली परचेज़ कर लेना। सो यार, ये थे वो सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज़ किए अभी बर्थडे सेल में। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरे रिकमेंडेशंस पसंद आए हो, मैंने जो चीज़ें परचेज़ की आपको वो अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ भी परचेज़ करने का मन होगा तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक सिंगल लिंक होगी, वो मेरे हॉल पैक स्टोर की लिंक है। आप उस पर टैप करोगे ना आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर शो हो जाएंगे विद प्राइजेस। आज जो मैंने दिखाए हैं वो भी, और जो मैंने लास्ट बर्थडे सेल में दिखाए थे वो भी। तो आपको जो भी परचेज़ करने का मन हो आप परचेज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आई रियली होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। आई नो बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, मुझे पता है बहुत कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में, मैं अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको जानना हो तो आप मुझसे Q&A टाइप वीडियो कर सकते हो, आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बट ये मैं बोल सकती हूँ, अब से मैं रेगुलर रहूँगी। आई नो काफ़ी गैप हो गया, बहुत टाइम बाद आ रही है वीडियो, बट अब से मैं रेगुलर रहूँगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू डू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो आई विल सी यू सून, बाय बाय।